नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक दिन पहले सरानी दरवाजे पर एक व्यापारी के घर के सामने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी। इसके बाद व्यापारियों ने सिटी कोतवाली थाने में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि सरानी दरवाजे क्षेत्र में उनका एक जुलूस भी निकाला। सिटी कोतवाली पुलिस ने सालू और दीपू नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से दो कट्टे भी बरामद हुए हैं। फरियादी सुरेश अग्रवाल ने थाने रिपोर्ट किया था कि सालू थाना गनी खान बाईपास रोड पर रहता है, ये इसके द्वारा इसे अवैध वसूली के दबाव बनाते रुपयों की पैसों की मांग की गई थी और उसके यहाँ काम करने वाले लड़कों को मार पीटा गया था। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया था धारा 327 के तहत। कल पुनः फरियादी सुरेश अग्रवाल के घर में रात्रि में करीब 11:30-12 बजे और कल दोपहर में 1-2 बजे के बीच में वही आरोपी सालू और उसका साथी है दीपक रूप दीपू कटीक, ये मोटरसाइकिल से गाली गलौज करते हुए निकले और हवाई फायर करते हुए निकल गए थे। रिपोर्ट पर से अपराध 336 का पंजीबद्ध किया गया था। आज दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी सालू से एक 12 बोरे कट्टा और एक 315 बोरे कारतूस बरामद किया गया है। आरोपियों से घटनास्थल का वेरिफिकेशन कराया गया है जहां पर उन्होंने फायर किया था और उनको न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। और भी आरोपी क्या? ये पहले भी पूर्व में आरोपी सानू के विरुद्ध अपराध दर्ज हुए हैं और इसके विरुद्ध जिलाधिकारी कार्रवाई प्रस्तावित है। कुल मिला के ये कि जो भी अपराध करेगा पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी और किसी प्रकार का गुंडों का भय किसी व्यक्ति के मन में ना रहे और इसलिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।